चलिए अब आए तुम लोग क्या क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। चलो सर ये अभी क्वेश्चन नंबर 7 अभी नहीं हुआ है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। सेवन क्या कर रहा है? ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3ABC, ठीक है क्या है? ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3ABC दे दिया है, ठीक है। और आपको इसमें क्या करना है? इसका फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये निकालते हैं इसका फैक्टर। इसका फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो फॉर्मूला समझते हैं कि क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्यू माइनस 3ABC का फॉर्मूला क्या होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्यू माइनस 3ABC का फॉर्मूला क्या हो जाता है? वो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ओके। चलिए यहाँ पर देखिए, तो ए प्लस बी प्लस सी ना होता है, तो ए प्लस बी और प्लस सी। यहाँ पर देख लीजिए, ए क्यू प्लस, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं माइनस बी क्यू को, हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस और माइनस बी के दिए, ठीक है। माइनस बी क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस के आगे साइन दे दी माइनस बी के दिए। ऐसे करने से बेनिफिट ये हो जाएगा, हमको ये जो फॉर्मूला है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। तब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी ना, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस बी। अब बी के जगह पर क्या है? माइनस बी ना, तो माइनस बी रख देते हैं प्लस सी। ये अब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो प्लस माइनस बी के भी होल स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। और क्या होता है? माइनस ए बी और माइनस बी सी और माइनस सी है ना, तो माइनस ए बी। तो पहले तो माइनस दे दीजिए और ए के जगह पर तो ए लिख दीजिए, बी के जगह पर माइनस बी ना है तो माइनस बी लिख दीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, फिर माइनस बी सी ना, तो माइनस डाल दीजिए। बी के जगह पर क्या है? माइनस बी ना, तो माइनस बी रहने दीजिए। और सी के जगह पर क्या है? सी है, तो सी रहने दीजिए। उसके बाद फिर क्या हो जाता है? माइनस सी है ना, तो माइनस डाल दीजिए। सी के जगह पर क्या है? सी है, तो सी रहने दीजिए। और ए के जगह पर क्या है? सिर्फ ए। आगे बढ़ जाइए, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस गुना माइनस माइनस, तो ए माइनस बी प्लस सी। ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर ना, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस गुना माइनस प्लस ना, तो यानी क्या हो जाएगा? प्लस ए बी। और माइनस गुना माइनस प्लस ना, देख लीजिए माइनस गुना माइनस प्लस, तो प्लस बी सी और यहाँ पर माइनस सी, तो यही इसका क्या हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3ABC, अगेन जिस तरह से उसमें किए थे उसी तरह से कर लीजिए, यानी ये हो गया ए क्यू, ये हो गया बी क्यू। यहाँ पर का प्लस डाल दीजिए, यहाँ पर माइनस सी क्यू दिखोल क्यू, ठीक है, और प्लस 3ABC, ठीक है। चलिए तो नहीं तो इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 3ABC को आप क्या लिख सकते हैं? पहले तो माइनस 3ABC के रूप में माइनस डाल दिए और 3, ठीक है, ये हो गया। और बी के जगह पर क्या हो गया? बी हो गया। सी के जगह पर माइनस सी है, तो माइनस माइनस होना माइनस अपने आप प्लस। आगे बढ़ जाइए, प्रोसेस तो क्या होता है? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी माइनस सी ना, ए प्लस बी सी के जगह प्लस सी ना, तो प्लस सी। सी के जगह पर क्या है? माइनस सी ना, तो माइनस सी लिख दीजिए। फिर क्या हो जाता है? ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, प्लस सी के स्क्वायर पर माइनस सी ना, तो माइनस सी स्क्वायर। फिर क्या हो जाता है? माइनस सी ना, तो माइनस ए के जगह पर ए हो गया, बी के जगह पर बी हो गया, तो माइनस बी सी ना, तो बी के जगह पर क्या होगा? बी हो गया। सी के जगह पर माइनस सी, माइनस सी है ना, तो सी के जगह पर माइनस सी हो गया और ए के जगह पर ए हो गया। आगे बढ़ जाइए, ठीक है, होगा ए प्लस बी माइनस सी ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस का होल स्क्वायर माइनस हो गया, प्लस हो जाएगा, सॉरी एक हो जाएगा माइनस से भी, और माइनस को ना माइनस प्लस भी से ना, माइनस को ना माइनस प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें नेक्स्ट क्या कह रहा है? ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, क्या है? ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू और माइनस 3ABC, ठीक है। तो अगेन इसको सेट कर दीजिए,
एक होल क्यूब हो गया माइनस बी की जगह यानी प्लस माइनस बी के होल क्यूब, यहाँ पर प्लस माइनस सी के देखो, फिर माइनस थ्री भी सेंस माइनस थ्री, ए के जगह पर ए लिख लीजिए, बी के जगह पर क्या हो गया माइनस बी, और सी के जगह पर क्या हो गया माइनस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए, देख लीजिए माइनस होना माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्यू माइनस थ्री बी सी को फॉर्म लगा होता है, ए प्लस बी प्लस सी ना, तो ए प्लस बी के जगह पर क्या हो जाएगा ये हो गया प्लस सी के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस सी, ए स्क्वायर ना तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी ना तो माइनस ए के जगह पर क्या हो ए और बी के जगह पर क्या होता है माइनस बी, फिर माइनस बी सी ना माइनस बी और सी के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस सी, और क्या हो जाएगा माइनस सी है ना तो माइनस सी के जगह पर क्या होगा माइनस सी, और ए को ब्रैकेट बंद कर दीजिए, यहाँ से क्या निकल जाएगा ए माइनस बी और माइनस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस प्लस ए बी माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मगर एक और माइनस नहीं था यानी माइनस बी सी हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस सी, ठीक है। अब आ जाइए इसमें आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या करा है माइनस बी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू प्लस थ्री बी क्यू आर, ठीक है। आगे बढ़ गए क्या हो जाएगा यार, बट क्या हो जाएगा तो यहां पर कर दीजिए तो माइनस बी के दी होल क्यू ये क्या हो जाएगा क्यू के लिए होल क्यू, ये क्या हो जाएगा आर के लिए होल क्यू, फिर माइनस थ्री पी की वजह थ्री पी के जगह पर माइनस पी और क्यू और आर, ठीक है। माइनस वन माइनस प्लस यही चीज को हम लिख दिए हैं, यहाँ पर ए बी सी के जगह पर क्या हो गया पी क्यू आर ना, तब सबसे पहले कर दीजिए माइनस पी प्लस क्यू और प्लस आर, फिर माइनस पी के लिए होल स्क्वायर ए स्क्वायर ना, फिर बी स्क्वायर यानी क्यू के स्क्वायर सी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, फिर माइनस ए और बी ना ए के जगह पर माइनस बी ना और बी के जगह पर क्यू, फिर माइनस बी सी ना बी सी बी के जगह पर क्यू और सी के जगह पर आर, फिर माइनस सी ए ना तो सी के जगह पर आर और ए के जगह पर यहाँ पर क्या हो गया माइनस बी, ऐसे भी यानी क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस क्यू प्लस आर, ये क्या हो जाएगा पी के स्क्वायर प्लस क्यू के स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर, माइनस को ना माइनस प्लस ना तो प्लस पी क्यू माइनस क्यू आर और प्लस आर पी, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है बाबू, ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस थ्री ए बी और प्लस वन, क्या है बाबू ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस थ्री ए बी और प्लस वन, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखिए आप करते जाइए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू और माइनस थ्री ए बी प्लस वन, तो पहले इसको अच्छा से लिख दीजिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस वन और माइनस क्या हो गया थ्री ए बी, आगे बढ़ जाइए ए के होल क्यू बी के होल क्यू प्लस ए के होल क्यू मिल गया और थ्री माइनस थ्री भी नहीं तो थ्री ए बी और सी के जगह पर क्या हो गया एक हो गया, ठीक है। सब के तो कहना है आगे बढ़ जाइए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी को फॉर्मूला क्या हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी सी ना तो माइनस बी सी और माइनस सी हो गया, ठीक है। चलिए ये भी हो गया और सी के देख लीजिए यहाँ पर ए के जगह पर ए हो गया बी के जगह पर बी हो गया ना सी के जगह पर क्या है एक है बी गुना एक ये ना सी एक गुना एक ये एट के सेकंड पर आ जाइए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस थ्री एक्स बाय माइनस वन इसी तरह से है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माइनस वन प्लस थ्री एक्स बाय फिर एक स्टेप और आगे कर दीजिए एक्स के होल क्यू वाई के होल क्यू प्लस माइनस वन के होल क्यू माइनस थ्री इंटू एक्स इंटू वाई इंटू माइनस वन आगे बढ़ जाइए
क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्यू ना, यानी आप करते जाइए तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ना, तो प्लस सी, यहाँ पर माइनस ना हो गया तो माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। चलिए और क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना, यानी सी स्क्वायर हो गया माइनस ए के होल स्क्वायर वन है, और माइनस ए बी तो माइनस ए एक्स इंटू बाई, ठीक है। अब प्लस बी सी ना, सॉरी माइनस बी सी, तो माइनस बी के जगह पर बाई हो गया, सी के जगह पर क्या हो गया माइनस वन, और माइनस सी है ना, तो माइनस सी के जगह पर क्या हो गया माइनस वन, और ए के जगह पर क्या हो जाएगा एक्स, प्रोसेस कर दिया, एक्स प्लस बाई माइनस वन, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस वन ना, माइनस एक्स बाय प्लस बाय और प्लस, ठीक है। चलिए अब इसमें थर्ड आ गई, ए प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस तीन बी सी, ठीक है। चलिए तगेन इसको भी सेट करना चाहे रहने दीजिए, ए के होल क्यू बी के होल क्यू प्लस माइनस सी के होल क्यू माइनस थ्री, ए के जगह पर क्या हो गया एक हो गया, अब बी के जगह पर क्या हो गया बी हो गया, और सी के जगह पर क्या हो गया सी हो गया, सेट कर दीजिए, एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बी सी, ए प्लस बी ना, ए प्लस बी प्लस सी ना, तो प्लस माइनस सी हो गया, ए स्क्वायर एक स्क्वायर एक हो जाएगा, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो गया, और सी स्क्वायर ना यानी सी के स्क्वायर माइनस से बी, तो माइनस ए के जगह पर एक ना, बी के जगह पर बी माइनस बी सी ना, तो बी के जगह पर बी हो गया, सी के जगह पर माइनस सी, माइनस सी है ना, तो सी हो गया, इसके जगह पर एक हो गया, सेट कर दोगे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सॉरी प्लस होना माइनस माइनस ना, तो माइनस सी, वन प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी प्लस बी सी और प्लस सी हो गया। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है आरएम्स क्लास प्रॉब्लम। आज हम लोग इस वीडियो में आलोक मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3.3, ठीक है बाबू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले वाले सारे वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूरी से शेयर भी करते होंगे और लाइव क्लासेस के लिए भी पढ़ना चाहते हैं, तो 8789890481 नंबर नोट कर लीजिए, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, आपको लाइव क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है, उसमें भी आपको ऐड कीजिए, ठीक है। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था ना पिछले सेशन में, आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो ध्यान से रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया कि 200 गुणनखंड करना है, यहाँ पर आपको यूनिट में दे दिया, नंबर दे दिया 216 प्लस 27 बी क्यू प्लस 8 सी क्यू और माइनस 108 बी सी दे दिया, ठीक है। इसका हमें फैक्टर करना है, तो सिंपली इसमें सबसे पहले हमें क्या इसमें सजा देना है कि आप इसे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी पर इसे क्या करें सजा दीजिए, जैसे सजा दीजिएगा आपको यहाँ से आराम से निकल जाएगा। तो पहले आप सजा देते हैं, 216 को हम क्या ले सकते हैं 6 के क्यू, 27 बी क्यू को हम क्या ले सकते हैं 3 बी क्यू के होल क्यू, 8 सी क्यू को क्या हम ले सकते हैं 2 सी के होल क्यू, ठीक है। और माइनस 108 बी सी है तो 3 बी सी तो 3, ए के जगह पर 6, बी के जगह पर 3 बी और सी के जगह पर क्या हो गया 2 सी, ओके। चलो अब आगे बढ़ जाइए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी, क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी का जो फॉर्मूला होता है नोट कर लेता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 बी सी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और क्या होता है माइनस सी, ठीक है। तो इसे प्रसिद्ध कर दिए, ए के जगह पर 6 है तो सी हो जाएगा, बी के जगह पर 3 बी है ना तो 3 बी हो जाएगा, सी के जगह पर 2 सी ना तो 2 सी हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर ना तो 6 के स्क्वायर, बी स्क्वायर ना तो 3 बी के स्क्वायर, सी स्क्वायर ना तो 2 सी के स्क्वायर, माइनस ए बी ना माइनस ए के जगह पर 6 है और बी के जगह पर 3 बी है माइनस बी सी, तो बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर 3 बी है ना 3 बी और सी के जगह पर क्या है 2 सी है, और माइनस सी है ना तो सी के जगह पर 2 सी है और ए के जगह पर 6 है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। आगे बढ़ जाइए तो क्या हो जाएगा, या तो 6 हो जाएगा 6 प्लस 3 बी प्लस 2 सी, 6 का स्क्वायर 36, 3 बी का स्क्वायर 9 बी स्क्वायर और 2 सी का स्क्वायर 4 सी स्क्वायर, 6 गुना 3 भी है 18 भी ना
माइनस तीन बी में टू सी से कितने कितने का है, तीन दूनी छः बी गुना सी बी सी, तो बी सी हो जाएगा छः बी सी ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस टू बी सी, टू छः दूनी बारह सी है ना, यहाँ देख लीजिए छः है ना, छः गुना दो से गुना कितने तो क्या हो जाएगा बारह और सी का सी हो गया, ठीक है यही हो गया आपका आंसर। बढ़ जाइए नेक्स्ट पर, सेकंड क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, 125 एक क्यू माइनस 27 बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस 45 ए बी सी, अगेन इसको भी एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बी सी पर तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा यार पांच ही का होल क्यू, ये क्या हो जाएगा तीन बी का होल क्यू, ये क्या है सी की होल क्यू और थ्री ए बी सी ना, तो थ्री अब यहां पर देख लीजिए माइनस 27 बी क्यू ना है, यहाँ पर देखिए यानी यह क्या हो जाएगा, यदि हम एक क्यू प्लस बी क्यू की जगह लिखने तक आए तो यहाँ पर प्लस डाल देंगे यहाँ पर माइनस डाल देंगे, इससे बेनिफिट क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस पावर, ठीक है तो यहाँ पर माइनस डालेगा जो माइनस का पावर तीन क्या होगा माइनस है ना, प्लस को ना माइनस माइनस, यानी यही चीज होगा ना, मगर यह फॉर्मूला पर सेट हुआ एक क्यू प्लस बी क्यू प्लस एक, यहाँ पर बी पर बी की जगह पर क्या प्लस थ्री बी और माइनस थ्री माइनस थ्री बी, ठीक है तो तीन को ना माइनस थ्री बी ना, तो यहाँ पर देखिए तो माइनस थ्री अभी सीन होता है तो माइनस तीन गुना माइनस थ्री बी गुना फाइव ए गुना सी, ठीक है बी आगे आगे लिखा जाए सी आगे लिखा जाए उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ जाइए यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री बी सी पर सेट हो गया, ए के जगह पर क्या है पांच है ना पांच, बी के जगह पर माइनस थ्री बी है ना माइनस थ्री बी, सी के जगह पर सी, ए स्क्वायर यानी पांच ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी माइनस तीन बी का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी सी के स्क्वायर, माइनस से भी ना तो माइनस ए के जगह पर क्या है पांच है ना, और बी के जगह पर क्या है माइनस तीन बी, ठीक है चलिए माइनस बी सी ना, तो माइनस बी के जगह पर क्या है माइनस बी के जगह माइनस तीन बी ना, तो माइनस तीन बी, और सी के जगह पर क्या है सी के जगह पर सिर्फ सी है और माइनस सी है ना, तो माइनस सी के जगह पर क्या है सी है और बी के जगह पर क्या है फाइव पांच है, अच्छा ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक क्या हो जाएगा पांच माइनस तीन बी प्लस सी, पांच ए का स्क्वायर क्या होता है पांच का स्क्वायर पच्चीस ए स्क्वायर, अब प्लस माइनस को ना माइनस प्लस ना तो नौ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस को ना माइनस प्लस ना प्लस पंद्रह ए बी, माइनस को ना माइनस प्लस ना तीन बी सी और माइनस पांच ए सी, नेक्स्ट वर्ड देंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है सताइस एक्स क्यू, सताइस एक्स क्यू माइनस 216 बाई क्यू माइनस जेड क्यू माइनस 54 एक्स बाई जेड, अगेन इसको भी तोड़ दीजिए ये क्या हो जाएगा 3x के होल क्यू, ये क्या हो जाएगा 6y के होल क्यू, ये क्या हो जाएगा जेड के होल क्यू, फिर अगेन 3abc ना माइनस 3 ये क्या जगह पर आएगा यहाँ पर भी माइनस है यानी ये क्या हो जाएगा माइनस 6y, यहाँ पर भी माइनस है तो भी क्या हो जाएगा माइनस जेड और ये तो 3x प्लस था ना तो 3x प्लस, तो देख लीजिए माइनस गुना माइनस प्लस प्लस गुना माइनस माइनस सेम ही चीज ही होगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू यानी यहाँ पर बी के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस होना सी क्यू यानी जेड के जगह पर क्या हो जाएगा माइनस जेड, तो 3x माइनस 6y और क्या हो जाएगा माइनस जेड, एक ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर ना तो 3x के स्क्वायर बी स्क्वायर ना कुछ भी रख दीजिए उस स्क्वायर में तो प्लस होना ही है पुनः क्या माइनस जेड के स्क्वायर माइनस ए बी ना माइनस ए के जगह पर क्या है थ्री एक्स बी के जगह पर क्या है माइनस सिक्स वाई पुनः फिर से माइनस ना ए बी के जगह पर क्या है कहाँ गया बी 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 के जगह पर है माइनस सिक्स वाई तो माइनस सिक्स वाई और सी के जगह पर क्या है माइनस जेड गुना माइनस जेड पुनः माइनस डाल दीजिए ए के जगह पर क्या है थ्री एक्स है ना थ्री एक्स और सी के जगह पर क्या है माइनस जेड ब्रैकेट को बंद कर दीजिए क्या हो जाएगा थ्री एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस जेड थ्री तीन का स्क्वायर नौ नौ एक्स का स्क्वायर नौ एक्स स्क्वायर प्लस छ छत्तीस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर अब यहां पर आ जाइए माइनस को ना माइनस प्लस ना तो प्लस 18x वाई माइनस को ना माइनस प्लस
यहां ध्यान दीजिए, माइनस होना माइनस प्लस ना, और प्लस होना माइनस माइनस ना, तो माइनस हो जाएगा सिक्स बाई जेड, माइनस होना माइनस प्लस ना, प्लस थ्री और थ्री एक्स, यहां पर जेड है ना, तो थ्री एक्स जेड। आगे बढ़ जाइए, माइनस एक्स की पावर छ, माइनस एक्स की पावर छ प्लस एट वाई के पावर छ प्लस जेड के पावर छ प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, आगे देख लीजिए। ठीक क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर के होल की, क्योंकि पावर के पावर होता है तो क्या हो जाता है वो गुना हो जाता है, तो दो के पावर तीन यानी क्या हो जाएगा, दो गुना तीन यानी छह हो गया। ये क्या हो जाएगा, इसके पावर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस थ्री एबी सी, तो थ्री ए के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, बी के जगह पर क्या हो जाएगा, टू वाई स्क्वायर, सी के जगह पर क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। वही हो गया ना, माइनस होना माइनस प्लस, सेम ही चीज है भी। आगे बढ़ जाइए, ए प्लस बी प्लस सी, ए के जगह पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स तो माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर, फिर प्लस ना टू वाई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, और माइनस है भी ना, तो माइनस ए के जगह पर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, और बी के जगह पर क्या है, टू बाई स्क्वायर, माइनस बी सी ना, बी के जगह पर टू बाई स्क्वायर और सी के जगह पर जेड स्क्वायर, और माइनस सी है ना, तो सी के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर, और ए के जगह पर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट बंद, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस स्क्वायर प्लस ना, तो एक्स के पावर फोर, ये क्या हो जाएगा, फोर वाई के पावर फोर, ये क्या हो जाएगा, जेड के पावर फोर, माइनस होना माइनस प्लस ना, प्लस टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस टू वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, और माइनस होना माइनस प्लस ना, तो प्लस जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बढ़ रही है, टू रूट टू एक के पावर तीन प्लस सोलह रूट टू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस बारह ए बी सी। ठीक है, आगे बढ़ रही है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू में ए के जगह पर क्या है, यहां पर टू रूट टू है, टू दिया है, यानी क्या हो जाएगा, टू रूट टू एक ओवर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, रूट टू को तीन बार बना के देगा तो रूट एट आ जाएगा, वही नहीं क्या हो जाएगा, देख लीजिए रूट टू के होल क्यूब करके, तो रूट टू गुना रूट टू गुना रूट टू ना, रूट टू गुना रूट टू क्या हो जाएगा, टू एक। आगे आगे क्या हो जाएगा, सोलह रूट टू है ना, तो सोलह रूट टू किसका हो जाएगा, तो सोलह और रूट टू है, सोलह सबसे पहले किसका होल क्यूब हो जाएगा, तो सोलह यहाँ पर रूट टू है, यानी इसको हम मीनिंग निकालना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, यदि हम सिंपली रूट आठ यानी टू रूट टू का होल क्यूब करते हैं, सिंपली टू रूट टू को होल क्यूब करते हैं, तब देखते हैं, ऐसे लिख दीजिए, तो दो के होल क्यूब की जगह क्या होगा, आठ हो जाएगा ना, और रूट टू के होल क्यूब की जगह क्या होगा, दो रूट टू, तो आठ में दो रूट टू से गुना कीजिएगा तो सोलह रूट टू आ जाएगा, आठ गुना दो सोलह और टू। ठीक है, ये प्लस सी क्यू हो गया, फिर माइनस ना भागो, माइनस ए के जगह पर क्या है, थ्री ए तो रूट टू ए, बी के जगह पर टू रूट टू बी, सी के जगह पर सी। नेक्स्ट बढ़ते ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी ना, फॉर्मूला पास ए प्लस बी तो रूट टू ए प्लस टू रूट टू बी प्लस सी, ए स्क्वायर ना तो रूट टू ए के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना तो टू रूट टू बी के स्क्वायर पर सी स्क्वायर ना तो सी, और माइनस ए बी तो माइनस रूट टू ए टू रूट बी माइनस बी सी ना टू रूट टू बी और सी के जगह पर सी, और माइनस सी है ना तो माइनस सी और रूट टू ए। आगे बढ़ जाइए, रूट टू ए प्लस टू रूट टू बी प्लस सी, रूट टू के स्क्वायर क्या हो जाएगा, दो है ना तो दो ए स्क्वायर, और दो दूनी चार दूनी आठ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
दो दुनी चार दुनी आठ ना, आठ है भी माइनस टू रूट टू बी सी, और यहां पर क्या हो जाएगा माइनस रूट टू सी, हो गया। आखिरी क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्या कर रहा है पी प्लस क्यू के होल क्यू माइनस क्यू प्लस आर के होल क्यू प्लस आर प्लस पी के होल क्यू प्लस थ्री पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर प्लस पी, ठीक है। एक काम क्या करते हैं, इसमें आसानी हो, पी प्लस क्यू बराबर हम ए मान लेते हैं, क्यू प्लस आर बराबर बी मान लेते हैं, आर प्लस पी बराबर सी मान लेते हैं, ठीक। किस पर हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू और प्लस सी क्यू और प्लस थ्री ए बी सी, तो सिर्फ इसी का फैक्टर हमें निकालना, इसका फैक्टर तो आप आराम से निकाल लेंगे, यानी क्या हो जाएगा ए माइनस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना, और माइनस से भी होता है तो माइनस, यहाँ पर माइनस बी के होल क्यू ना, यानी क्या हो जाएगा प्लस बी, माइनस बी सी ना होता है, यहाँ पर बी के जगह पर माइनस है, यानी क्या हो जाएगा प्लस बी सी, और माइनस सी है तो माइनस सी होता है। अब इसी को सॉल्व पुट कर दिए, ये बराबर क्या है पी प्लस क्यू है ना, तो पी प्लस क्यू, बी बराबर क्या है क्यू प्लस आर ना, क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा, क्यों माइनस करिएगा आप समझ रहे होंगे, क्योंकि माइनस है ना, अब बी का वैल्यू क्यू प्लस आर है और सी का वैल्यू क्या है आर प्लस बी, उसी तरह से कर दीजिए ए स्क्वायर एन क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो प्लस होगा ही तो क्यू प्लस आर के होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आर प्लस पी के होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्लस है भी ना, प्लस है भी, ए के जगह पर क्या है पी प्लस क्यू, बी के जगह पर क्या है क्यू प्लस आर प्लस बी सी, बी के जगह पर क्या है क्यू प्लस आर, सी के जगह पर आर प्लस बी, प्लस सी है ना तो सी के जगह पर क्या है आर प्लस बी, और ए के जगह पर क्या है पी प्लस क्यू, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। यहां से क्या जाएगा देख लीजिए, ब्रैकेट हटाइएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस क्यू हो जाएगा, माइनस क्यू ना ये भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, हो जाएगा। यहां से देख लीजिए माइनस क्यू सी कट जाएगा, माइनस आर से ए कट जाएगा, पी और पी क्या बचेगा टू पी ना, तो टू पी और ये सबका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर, पी प्लस आर के होल स्क्वायर, ये सारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर टेन क्या करा है, ये माइनस बी के होल क्यू प्लस बी माइनस सी के होल क्यू और प्लस सी माइनस ए के होल क्यू, ठीक है। इसका हमें क्या करना है फैक्टर निकालना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए बाबू, एक और फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या बाबू, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाता है तो क्या हो जाता है ए के प्लस बी के प्लस सी के बराबर क्या हो जाता है थ्री ए बी सी हो जाता है। यहाँ पर देखिए तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस माइनस ए माइनस बी माइनस बी माइनस कट के जीरो हो जा रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो है तो क्या होना चाहिए तीन ए बी सी ना, तो तीन ए के जगह पर ए माइनस बी, बी के जगह पर बी माइनस सी और सी के जगह पर सी माइनस। दस के सेकंड में आ जाइए, क्या कर रहे हैं टू एक्स माइनस थ्री वाई के होल क्यू थ्री वाई माइनस फोर जेड के होल क्यू और प्लस फोर जेड माइनस टू एक्स के होल क्यू, अगेन देख लीजिए ए प्लस बी प्लस सी इसमें भी जीरो हो जाएगा, चेक कर लीजिए टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड प्लस फोर जेड माइनस टू एक्स, टू एक्स है टू एक्स थ्री वाई से थ्री वाई फोर जेड से फोर जेड करके जीरो आ गया ना, अगेन थ्री ए बी सी तो थ्री टू एक्स माइनस थ्री वाई थ्री वाई माइनस फोर जेड और फोर जेड माइनस टू एक्स। थर्ड पर आ जाइए एक्स क्यू वाई माइनस जेड के होल क्यू वाई क्यू जेड माइनस एक्स के होल क्यू प्लस जेड क्यू एक्स माइनस वाई के होल क्यू, डन कर दीजिए। यहाँ पर
ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई माइनस जेड पूरा का होल क्यू, यहाँ पर हो जाएगा y इंटू जेड माइनस एक्स पूरा का होल क्यू, ये क्या हो जाएगा जेड इंटू एक्स माइनस वाई पूरा का होल क्यू। ठीक है, एक जगह पर क्या होगा, इस बार x इंटू वाई माइनस जेड प्लस वाई इंटू जेड माइनस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ऐड कर दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई, कट करो एक्स वाई से एक्स वाई गया, वाई जेड से वाई जेड गया, जेड एक्स से जेड एक्स गया, कट कुट क्या गया लड्डू प्रसादी मिल गया आरती के होने के बाद। थ्री एबीसी ना, इतना बार थ्री एबीसी, एक जगह पर क्या था एक्स इंटू वाई माइनस जेड वाई इंटू जेड माइनस एक्स और जेड इंटू एक्स माइनस वाई। इसको और अच्छा से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं थ्री एक्स वाई जेड इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस। ओके चलो डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए माइनस ए प्लस बी प्लस थ्री सी के दी होल क्यू प्लस थ्री ए प्लस टू बी माइनस टू सी के दी होल क्यू और माइनस टू ए प्लस थ्री बी प्लस सी के दी होल क्यू। चलिए आगे बढ़िए, अगेन कर दीजिए माइनस ए प्लस बी प्लस थ्री सी प्लस थ्री ए प्लस टू बी माइनस टू सी, फिर क्या है माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए बाबू ए प्लस बी प्लस सी ना होना चाहिए, यहाँ पर प्लस शायद हम आगे लगा दे तो यहाँ पर पूरा ना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा माइनस टू ए माइनस थ्री बी और माइनस सी। आगे देख लीजिए माइनस टू ए और माइनस ए प्लस थ्री ए, ठीक है माइनस टू सी माइनस सी थ्री सी कट गया प्लस बी प्लस बी रन टू डन, आगे बढ़ जाइए थ्री एबीसी ना, ए के जगह पर क्या है माइनस ए प्लस बी प्लस थ्री सी, बी के जगह पर क्या है थ्री ए प्लस टू बी माइनस टू सी और सी के जगह पर क्या है माइनस टू ए ना, तो माइनस टू ए और माइनस गुना माइनस माइनस गुना प्लस ना माइनस थ्री बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा और माइनस सी। देखो